वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आज एक हमने नया और बहुत जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि थ्योरम मतलब प्रमेय, प्रमेय में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनको रटना पड़ता है। क्या है? रटना पड़ता है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, अगर आपने नाइन्थ में बहुत अच्छे से थ्योरम अगर पढ़ा होगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको रटना नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक से काफ़ी नंबर का आता है। ये 95% बच्चों की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की कि सर हमें क्या कहते हैं कि थ्योरम नहीं आती है, प्रमेय नहीं आती है। इसीलिए हमने एपी का एक चैप्टर था मतलब समांतर श्रेणी, उसको हमने अभी बाद में कराएंगे इसके जस्ट बाद। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम बताते हैं बस वैसे ही आपको करना है। आपको रटना नहीं है क्योंकि पेपर में आप रट के नहीं पास हो सकते हैं। कितनी थ्योरम आप रटेंगे? आप ही सोचिए कि आप मैथ नहीं रटना है, आपको मैथ को करना है, सही से करना है। हम बार बार बताते हैं, हमको आपको रटाते नहीं हैं। आपको मैथ अभी तक आपने क्या कहते हैं पढ़ी होगी हमारी, क्या कहते हैं कि आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपने देखी है तो आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूव देखने को मिला होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा चैप्टर 6 है, आज हमारा टॉपिक है ट्रेंगल। क्या हमारा ट्रॉफिक आज का हमारा जो भी हमारा टॉपिक है वो ट्रेंगल है। चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर कहते हैं त्रिभुज स्टार्ट करिए, सर ट्रेंगल स्टार्ट करिए। आज आपके सामने ट्रेंगल आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बोला है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सही से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको, क्योंकि थ्योरम आप खुद ही देखते होंगे, आपने खुद ही किए होंगे नाइन्थ में, कि थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो आपको थ्योरम इतनी अच्छे से हम बताएंगे कि आप स्वयं करने शुरू कर देंगे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसका रेशियो चलता है, ये इसका रेशियो चलता है, क्यों चलता है आप खुद ही बताएंगे। हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप कोई भी थ्योरम दे दीजिए वो तुरंत कर लेते हैं। तो आपको बस हम उसी तरह पढ़ाएंगे जैसे आपको क्या कहते हैं कि रटना न पड़े। अब देखिए, आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होगी आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ पढ़ा होगा कांग्रुएंस, मतलब सर्वांगसम, हिंदी देख लेना सर्वांगसम। दूसरा क्या है, अब आज हमारा टॉपिक क्या है, सिमिलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब समरूप। क्या हमारा समान वो सिमिलरिटी या कांग्रेस, अपने हिंदी में देख लीजिए। तो कांग्रेस सर्वांगसम और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझना होगा। अगर आपने ये नहीं समझ पाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हम बता रहे हैं, आप सही से समझिए, क्योंकि हम कल से इसकी थ्योरम, आज तो हमें आपके और बताने के लिए ही हमने आज वीडियो बनाया है कि आप कल से रेडी हो जाएं। तो क्या होता है हमारा जो कांग्रुएंस होता है, जो हमारा सिमिलरिटी होता है, सर्वांगसम और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा इसकी मतलब साइज सेप मतलब सेम होना चाहिए। अगर ये है तो इसकी साइज और सेप दोनों सेम होना चाहिए। क्या है, साइज दोनों के सेम होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कांग्रुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। अगर हमारा साइज सेम नहीं है, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है, सब रूप में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे के रेशियो में चलेंगे। अब ये क्या होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समरूप, क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी। तो आपको देखा होगा कि कांग्रेंस में हमारे साइज सेम होना चाहिए और हमारा सिमिलरिटी में समरूप में साइज की कोई बात नहीं होती है। तो ये जो हमारा है टॉपिक, ये समरूप जो हमारा है, सिमिलरिटी हम यूज करेंगे, बहुत ईजी है।
बहुत कांग्रेस भी बहुत ही जीता, आप पढ़िए, आपको रटना नहीं है, आपको सही से पढ़ना है तभी आपको आएगा। तो क्या है कि अब हम समरू रूप से स्टार्ट करेंगे कल से। अब देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें हमें पढ़ना होगा, क्या कहते हैं ये, आपको देख गौर से बस देखना, हम सिखाएंगे कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से किसकी इक्वल कराते हैं, कहाँ से रिसीव लेते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। तो आपको समझ में आ गई कांग्रेस क्या होता है, उसमें सेम सेम होना चाहिए, मतलब जो फिगर इसका है इस वाले का फिगर पे सेम फिगर इसमें हो, इसको बोलेंगे कांग्रेस। अगर अब क्या कहते हैं कि अगर इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सोनाम बोलेंगे, अगर सेम फिगर सेम नहीं तब भी इसमें सिमिलरिटी में कोई जरूरी नहीं कि हमारा फिगर सेम हो, मतलब कि सेप सेम हो, मतलब कि कहने मतलब दोनों का डायग्राम सेम हो, तो ये कहते हैं कि ये सिमिलरिटी में होता है। इसमें इसमें कंपलसरी है कि साइज से सेम होना चाहिए। ठीक, हम आपसे कहते हैं देखिए अब क्या है कि अक्टूबर चल रहा है, आज 9 या 10 अक्टूबर है, तो आपको 10 अक्टूबर है करने का मतलब, तो आपको क्या करना है, अब अक्टूबर हो गया, अब नवंबर बचा है, हमारे दिसंबर बचा है, और 20 दिन इधर के बचे हैं, तो 80 दिन लगभग लगभग मोटा मोटा ले लीजिए, 80 दिन ये 90 दिन ले लीजिए, जनवरी 10 जनवरी, तो क्या है उसके उधर हम रिविजन करवाते हैं, तो आपको क्या कहते हैं कि हमारा कहते हैं नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, और हमारा ये अक्टूबर है, अक्टूबर के 20 दिन, नवंबर के 30 और इसके 30 मान लो एक मोटा मोटा, तो 80 दिन हो गए हैं कि उधर हमारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे जनवरी में, और फरवरी में हमारे पेपर हो जाएंगे और रिवीजन भी करना है। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, क्या है आपके पास बहुत कम टाइम बचा, 80 दिन बचा है, तो आप से यही है कि आप टाइम ना खराब करिए, आप बिल्कुल टाइम ना खराब करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कम से कम 5 घंटे इस समय घर में आपको पढ़ने की आवश्यकता है अगर आपको 85% के ऊपर नंबर लाने हैं। तो अब देखिए अब सिलेबस भी मतलब कि क्या होना चाहिए, हमारा दिसंबर के लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश हम पढ़ नहीं रहे होंगे हमें मालूम है, उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको नंबर कम हो जाएंगे। हम बार बार बोलते हैं, हम आपको सही गाइडेंस देंगे, गलत गाइडेंस नहीं देंगे, चाहे आप देखिए हमारा वीडियो चाहे ना देखिए, चाहे एक बच्चे भी देखेगा तब भी हम वीडियो बनाएंगे, चाहे 10 बच्चे भी देखेंगे, 100 बच्चे भी देखेंगे तब भी हम वीडियो बनाएंगे, एक बच्चा भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे अगर वो पढ़ना चाहता है। तो क्या होता है रूल यही होता है कि दिसंबर के लास्ट तक पूरा कोई भी, चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट हो चाहे इंटर का स्टूडेंट हो, कोई भी कंप्लीट, मतलब कि आपको ये कहते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक खत्म करा देना है, खत्म कर देना है, ये आपकी प्रॉब्लम, आप कैसे पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि हमारा मोटा मोटा कितना है, कि उधर क्या है प्रैक्टिकल हो जाएगा, और जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाता, तो 5 घंटे हम बोल रहे हैं सेल्फ स्टडी दीजिए, घर में 5 घंटे पढ़ना है, घर में 5 घंटे पढ़ना है, ये नहीं कि हम कोचिंग कहीं जाते हैं आते हैं आके साइकिल फेंक देते हैं कुछ भी है, तो आपको क्या है कि 5 घंटे अगर आपने घर में नहीं पढ़ते हैं तो आपको नंबर आने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऐसे नहीं आते हैं, नंबर मेहनत से आएंगे। तो आपको कहीं नहीं पढ़िए, आप कोचिंग जाते कोई मतलब नहीं है, जैसे हमने क्या कहते हैं कि अभी तक आपको कौन कौन चैप्टर करा दिए हैं ये हम आपको बताते हैं, हमने एक त्रिकोणमित करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री अभी आप तक 1-2 महीने हो गए हमें कराए हुए, अभी आप तक ये ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा है और काफी अच्छा है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने आपका करा दिया है। दूसरा हमने क्या कराया है, हमने दूसरा कराया है पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, मतलब पॉली नोमियल्स पॉलिनोमियल्स करा दिया है। दूसरा तीसरा हमने क्या कराया, तीसरा हमने पढ़ाया रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण द लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन। चौथा हमने क्या कराया, हमने द्विघात समीकरण। क्या पढ़ा हमने, द्विघात समीकरण पढ़ाया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया। तो आपको देखा होगा इन चारों चैप्टरों से अगर मिला देंगे और इसको मिला देंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो 5 चैप्टर से आपका कम से कम नंबर आ जाएगा 50 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। 70 में 50, 80 में 50 चाहे। तो आपको देखा होगा कि हमने 4 चैप्टर करा दिए, एक एक क्वेश्चन हमने इनमें कराए हैं। अब आप देखते हैं वीडियो, क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। आपको कहते हैं चारों बहुत जल्दी खत्म करा दीजिए, आपके पास हैं, नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए वीडियो को, टाइम बहुत कम बचा है। अब आप सोचें कि कहते हैं कि हम बात ही कर लेंगे तो बात के कुछ नहीं होगा, बार बार बोलते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें पार्ट बने हुए हैं, त्रिकोणमित करिए, बहुपद करिए, रैखिक समीकरण करिए, द्विघात समीकरण करिए, और आज हमने स्टार्ट किया है त्रिभुज। क्या हमने स्टार्ट किया है, त्रिभुज स्टार्ट किया है। तो ये 6 चैप्टर हमने बिल्कुल खत्म करा दिया है, 4 चैप्टर हमने खत्म करा दिया है, 6वां चैप्टर हमने त्रिभुज स्टार्ट कर दिया है। इसके बीच में हमने एक एपी समांतर माध्य समांतर श्रेणी हमने छोड़ दिया अभी, क्योंकि त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी हम मैथ पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर करते जा रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिर आप टीचर, तो आपको कहना पड़ता है कि सर रिवीजन करने का टाइम दे दीजिए। तो टाइम कुछ नहीं है, आपको डेली मैथ में कैसे क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। रिवीजन कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की यही होती है, उनको रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं कैसे करना है। अगर हमारा ये अभी से आज से अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर फॉलो कर लिया तो बहुत आगे आप निकल सकते हैं। रिवीजन जैसे है, हमने त्रिकोणमिति पढ़ाया, तो त्रिकोणमिति में जैसे हमने क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण पढ़ाया, द्विघात समीकरण पढ़ाया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया। तो इसमें क्या करना है, मान लो हमने एक्सरसाइज 4.1 है, तो उसके देखना है बुक खोल के कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, बस आपको उसमें ही प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि हम 4.1 को पूरी लेकर बैठ जाएंगे, जो क्वेश्चन हमें आते हैं कंफर्म आते हैं उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्या ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड है, क्या हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिसमें अगर आपको 1 भी% डाउट लगता है उसको आपको रफ में करना है और टिक मार देना है। तो इसी तरह का ये मतलब कि आप एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे अगर, तो आपको करना स्टार्ट करिए, तो बस फिर एक्सरसाइज 4.2 में आ जाइए, उसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आपको मालूम चल जाता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डाउट है, और यह हम देख कर देखेंगे कि हमें आता कि नहीं आता। तो हर एक्सरसाइज से आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते जाइए, तो आपको 1 चैप्टर 1 दिन में रिविजन हो जाएगा। तो आपको इसी तरह करना है, 4.3 में आ जाएंगे, वहां भी देखेंगे, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए, रिवीजन नहीं किया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं, और बाद के अगर आपने रिवीजन नहीं किया 2 महीने, तो आपको क्या होगा कि आप भूल जाएंगे, तो आपको फिर नया लगने लगेगा, अब आप वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं, ये शब्द आने नहीं चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि आपको रिवीजन करते हुए चलना है, 24 घंटे आपको तैयार रहना है, कोई अगर हमें कहीं से पूछ ले, सोते समय पूछ ले, तो हम उसको बता दें, वही स्टूडेंट के कहते हैं टॉप करते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी है हमारी फॉलो करना होगा। आज हमने इसीलिए क्वाड्रेटिक मतलब क्या है सर, ट्रायंगल के पहले हमने बता दिए, बहुत अच्छा है, आपको रेगुलर वीडियो देखना होगा,
ये हम त्रिभुज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रमेय जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे हर कंपटीशन में आता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। तो आपको रिवीजन करने की, या नहीं मतलब कि हमने निकाल लिया और एक तरफ से डट गए, यही करते हैं स्टूडेंट। एक तरफ से आपको नहीं डटना है, समान स्ट्रेटजी फॉलो करना है जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट करते हैं, जिसके नंबर 100 में 100 95 नंबर मैथ में आते ही आते हैं। अब आपको हमारे अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको देखना कि आपको जब रिजल्ट आएगा, या अभी आपको मालूम चल जाएगा कि हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं कराएंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मतलब कि इम्प्रूव करेगा, नंबर आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि वी स्टडी चैनल ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो हमारे कहते जो भी देखने वाले हैं, जैसे कहते सचिन हैं और आकाश है, उज्जवल है, अतुल है, ये सब फर्स्ट ईयर में हैं, आकाश 10th में है, अभिराज कन्होजी 10th में है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे वीडियो, हम ये नहीं कहते कि आप देखिए, ये हमारे कहते चैनल को फॉलो करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तभी आप इनको क्या कहते हैं, आज देखिए इनकी मैथ क्या कहते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। तो आपको सही से पढ़ना है, बार बार बोलते हैं आपको सही से पढ़ना है। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो, क्योंकि हाई स्कूल में अगर आपके नंबर सही से आ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने 4 चैप्टर करा दिए हैं, 4 चैप्टर बहुत होते हैं, 2 महीने में हमने 4 चैप्टर कराए हैं, कल से हमारे 2 महीने पूरे हुए हैं। आप बताइए, 2 महीने में हमने 4 चैप्टर करा दिए हैं, अब 5वां चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, मतलब ये 6वां चैप्टर, और जो भी बचेगा अब हम वही पढ़ाएंगे जो बार बार पेपर में आते हैं। बार बार पेपर एनसीईआरटी तो हमारी पूरी चल ही रही है, अब उसको हम बताएंगे ये क्वेश्चन आप करिए, यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को, जैसे हम बोलते हैं पिछले साल का हमारा पूरा पेपर फंसा था जितना हमने बताया था, तो आपको क्या करना है उसमें टिक मारते हुए चलना है। आपको टिक मारते हुए चलेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्ट्रेटजी हमने बताई कि आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है, बस आपको क्या है, हाँ उसके बाद क्या है कि हम अभी हिंदी की स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताएंगे सभी की, क्योंकि आपको सभी चाहे मैथ अगर है 100 नंबर की है तो आपको आपकी इंग्लिश भी कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की होगी। तो क्या नंबर में कोई चेंजमेंट है? नहीं है। जितना मेहनत आप मैथ में कर रहे हैं उससे कम मेहनत में अगर आप हिंदी में ना कर लेंगे तो वो भी 100 नंबर की आएगी। तो आप बार बार बताते हैं आपको हिंदी भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जितना नंबर हमारा मैथ, तो अभी क्योंकि हमें नंबर लाने हैं, ऐसा नहीं कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाए ले आएंगे तो क्या कहते हैं कि अगर 100 में 100 मैथ में ले आएंगे क्या हिंदी में कम हो जाएंगे, तो बात तो एवरेज वही हो गई ना, मतलब हमारे हिंदी में क्या कहते हैं 70 नंबर आ जाएंगे, इसमें 100 नंबर से क्या फायदा होगा, सब में नंबर हमें लाना होगा। तो सब में नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट मैथ और साइंस हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी को इलिमिनेट कर देते हैं, साइंस भी कम पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी कम पढ़ते हैं, तो आपको सभी पढ़ना होगा, क्योंकि सभी हमारे 100 नंबर के हैं, क्या है 100 नंबर के हैं, 80 80 नंबर के सीबीएसई बोर्ड के हैं। तो क्या करना है आपको सभी में टाइम, हाँ मैथ में कम ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लर्न करने वाला पोर्शन लर्न करिए आप, जितना भी याद करने वाला पोर्शन याद करिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट याद नहीं करते हैं, अगर आपने याद नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद कर लिए, लर्न करिए, क्योंकि आपको जितना लिखेंगे उतना ही नंबर आएगा। हम बार बार बोलते हैं कि कहते हैं कि आप इस देखते, हमने बोला स्ट्रेटजी, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारा मैथ है, नहीं मैथ में भी आपको नंबर टाइम ज़्यादा अधिक देना पड़ेगा, उसी तरह आपको हिंदी में थोड़ा टाइम दे दीजिए, आधा घंटे हिंदी में टाइम दे दीजिए, आधा घंटा इंग्लिश में टाइम दे दीजिए, और आधा घंटा हम कहते हैं SST में टाइम दे दीजिए, और आधा घंटा कहते हैं साइंस में टाइम दे दीजिए, बाकी आप मैथ और साइंस करिए। और मैथ साइंस में क्या है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल हम आपको स्टार्ट करेंगे। आप क्या कहते हैं कि चैनल को, स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो भी है हमारा बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहेगा, और कोई दूसरा ट्यूटर आएगा, वी स्टडी चैनल तो चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो आप क्या करिए, जैसे हम बताया है स्ट्रेटजी, जैसे हमने आपको बताया है, बस वैसे ही आपको करना है। हमने आज केवल कांग्रेस बताया, सिमेट्रिक डिफरेंस, इनके डिफरेंस जो बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि
स्टूडेंट को अंतर ही नहीं मालूम होता है, डिफरेंस ही नहीं मालूम होगा तो वो करेंगे क्या। तो आपको क्या कहते हैं कि ये बताया हमने, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमने स्ट्रेटजी बताया, मतलब कि कैसे हमें एक रिवीजन करना है, क्योंकि स्टूडेंट कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे सर हमें मैथ समझ में नहीं आ रही है, कहीं कोचिंग में जाते हैं तो मैथ नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करना है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपको रिवीजन करना ही होगा। तो हमने बोला क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जाइए पूरा देखिए, पॉलिनोमियल्स जाइए पूरा वीडियो देखिए, सभी पार्ट देखिए, बीच बीच से नहीं देखना है, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कहीं जाते हैं वहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई है कि आपको पेपर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, आएगी आपको सब कुछ पढ़ना, कहीं से कुछ भी मिल रहा है नोट्स बनाइए सब कुछ पढ़िए, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। तो आज हम एक जो वीडियो बनाने का केवल मकसद यही था कि बच्चों को सही गाइडेंस दिया जाए, बच्चे के नंबर कैसे स्टूडेंट को आ सकते हैं, तो ये हमने क्या कहते हैं कि आज बताया आपको, कल से हमारी जो सिमिलरिटी चालू होगी वो जबरदस्त चालू होगी, कहीं भी जा रहे हैं कंपेयर करा लेना आप, क्या कहते हैं कि आपको बी स्टडी चैनल पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए कि थोरम को रटना नहीं है, थोरम को सीखना है, क्या है हमें थोरम को हम सिखाएंगे रटाएंगे नहीं, बहुत लोगों से कहना सीख देखा होगा सुना होगा 9th में कि रट लो आपके थोरम आपके बस के बाहर है आप नहीं कर सकते हैं, देखा होगा आपको थोरम रटना होगा, क्यों, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता कि थ्योरम कैसे समझाना है हमें, क्या है थ्योरम हमें कैसे समझाना है, थ्योरम को हम कैसे प्रमेय को समझा सकते हैं स्टूडेंट को, ये होता है। तो आपको सही से पढ़ना है, सही जगह पढ़ना है, सही चीज पढ़ना है और सही कंटेंट पढ़ना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से त्रिभुज के साथ सिमिलरिटी के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन बच्चों तक जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गर्ल्स के लिए अपने रिलेशन में आप ही का काम है, हर जगह आपको इस चैनल को शेयर करना है, और क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, उनको बताइए, क्योंकि कोई स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिमिलरिटी के साथ, थैंक यू।